चोट पक्का है। वो हीना साहब अपराधी नहीं ना, किसी की हत्या नहीं ना किए हैं, वो महिला विरोध करते थे। अगर वो जिंदा होते तो हम भी विरोध, देने में क्या दिक्कत है? अगर पार्टी हमारा डिसीजन होता है कि नहीं अलायंस में जाएगा, साथ रहेंगे, उसमें कोई ऐसा लग रहा है कि आरएसएस। आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं, वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। बी ए बी कॉम बी एस सी एम ए एम कॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, डी ए वी पी जी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के आगमन को लेकर के तमाम लोग अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, स्वागत के लिए जुटे हुए हैं। और इसी क्रम में हम पहुंचे हुए हैं सिवान के महापुर में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूर्व एमएलसी और बीजेपी के नेता मनोज कुमार सिंह भी यहाँ पे अपने नेतृत्व में तमाम लोगों को लेकर के पहुँचे हुए हैं। और सम्राट चौधरी जैसे ही सिवान में पहुँचेंगे, गर्मजोशी के साथ ये लोग उनका स्वागत करेंगे। क्या कुछ तैयारी है, हम पूर्व एमएलसी मनोज सिंह जी से ही बात कर लेते हैं। क्या कुछ तैयारी है, देखा जा रहा है कि आज पूरा शहर जो है भगवा रंग से रंग गया है। क्या कुछ तैयारी है, किस तरीके से आप लोग स्वागत करेंगे? देखिए, बिहार प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष माननीय सम्राट चौधरी जी आज सिवान में पहली बार अध्यक्ष बनने के बाद आ रहे हैं। उनके स्वागत के लिए जनमानस उमड़ पड़ा है। सिवान में एक सैलाब की तरह आ गई है और लोग उनको देखना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, उनका स्वागत वेलकम करना चाहते हैं। आने वाले भविष्य के वो मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और आने वाले समय में हमारे प्रदेश के वही नेता हैं। और उनके नेतृत्व में, उनके अगवानी के लिए मंगल पांडे जी जो पूर्व मंत्री हैं बिहार सरकार के और सिवान के सपूत हैं, वो पहले से आ चुके हैं। हमारे सभी विधायक, नेता, कार्यकर्ता, सभी लोग, पदाधिकारी, सभी लोग लगे हैं उनके स्वागत के लिए, उनके वेलकम करने के लिए। एक चीज़ देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी से अलग होने के बाद शायद पहला बीजेपी का कार्यक्रम है कि पूरी तरीके से एकदम ताकत आप लोगों ने झोंक दी। नीतीश कुमार के साथ रहने से पार्टी को भारी नुकसान है। नीतीश कुमार अपने शर्तों पर हमेशा इस कभी इस कंधे पर, कभी उस कंधे पर बैठे हैं और बिहार को बंडाभार कर दिए। जिस जंगल राज से बिहार आज से 15 साल पहले निकला था, अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में, उन्होंने कहा था अटल बिहारी वाजपेयी ने कि नया बिहार और नीतीश कुमार स्लोगन दिया था, उसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और बिहार के सभी जनमानस जंगल राज को खात्मा करने के लिए उन्होंने नई सरकार को नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनाया था 2005-06 में। लेकिन उन्होंने पुनः वहाँ जहाँ से चले थे वहीं ला करके फिर बिहार को खड़ा कर दिए। फिर बिजली 8 घंटा 10 घंटा कट रही है, सड़क की वही स्थिति है, कानून व्यवस्था की वही स्थिति है, मतलब कि किसी भी विकास नाम का अब कोई चीज़ नहीं रह गया। वो देश देख रहे हैं लेकिन बिहार में प्रतिदिन आप देख रहे हैं कि पुल ढह रहा है, सड़कें खराब हो रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहा है, प्रतिदिन ये सब काम हो रहा है। मनोज जी, यह माना जाए कि आज सम्राट जी का कार्यक्रम जब होगा सिवान के टाउन हॉल में, तो जो उनके विपक्षी हैं नीतीश कुमार जी मान लीजिए हैं, उनको भी यहाँ से जवाब दिया जाएगा कि हम कमज़ोर नहीं हैं, हम भी मजबूत हैं। नीतीश कुमार जी नहीं हैं, नीतीश कुमार जी, लालू जी हमारे प्रतिद्वंद्वी हो सकते हैं, नीतीश कुमार जी कहीं से नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। हम उनके कैंडिडेट रह चुके हैं लोकसभा में, 40 में 2 सीट आया था, वो भी किसी तरह नालंदा को गाल घोट कर दिया गया था और लेकर लाए थे, मात्र एक पूर्णिया आया था, 2 सीट आया था। इसलिए अपनी हैसियत, अपनी औकात को जानते हैं, अकेला नहीं लड़ सकते हैं। अगर उनको हिम्मत है, आपके माध्यम से बिहार की जनता कह रही है कि वो अकेला लड़कर दिखाएं और फिर पुनः सरकार में आए, चाहे लोकसभा लड़ें चाहे विधानसभा लड़ें। यह माना जाए कि आज से आप लोगों ने बिगुल फूंक दिया है और तैयारी जो है वो होने लगी है चुनाव। जब से पार्टी अलग हुई है, हमारा एनडीए का गठबंधन मजबूत हुआ है और हम लोग जनता के बीच में जाएंगे इनके कुकर्मों को लेकर, इनके गलत कामों को लेकर के। क्या होगा सिवान का, क्या होगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस बार भी बीजेपी के खाते में यह सीट नहीं रहेगी, गठबंधन के खाते में जा सकते हैं, आपको क्या लगता है? कोई बात नहीं, किसी भी गठबंधन में खाते में जाए सर, यहाँ से एनडीए जीतेगी, चाहे जो भी कैंडिडेट हो, जिसके जिस पार्टी में भी अलायंस में जाए, एनडीए मजबूत हो। बिल्कुल 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 मजबूत हुआ। और सम्राट जी आएंगे टाउन हॉल में, कार्यक्रम होगा, और क्या कुछ यहाँ पे कार्यक्रम है? देखिए, हम लोग यहाँ स्वागत करेंगे उसका, उनके बाद हम लोग टाउन हॉल में जाएंगे, उस सभा को संबोधित करेंगे। देखिए, पहले जो एनडीए
यूपीए की सरकार है वो मुसलमानों को डरवा करके और वोट लेती है। आज भी उसका वही काम है, अल्पसंख्यक को समझाना कि ये भाजपा आपके अल्पसंख्यक विरोधी है, जबकि ऐसा कोई देश में आज तक 10 साल होने जा रहा है नरेंद्र मोदी ने ऐसा काम नहीं किया जिससे कि किसी एक विशेष वर्ग को नुकसान हो। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के हमारी पार्टी चलती है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा उन्हें डर लगता है कि नरेंद्र मोदी जी का साथ कैसे हम देंगे, हमारे कुछ हमारे बारे में वो नहीं सोचते हैं, और उनको ये भी लगता है कि आने वाले समय में भी, अभी भी डर लगता है कि नरेंद्र मोदी जी से हमें खतरा है और आने वाले समय में भी खतरा होगा। देखिए इसको कैसे दूर करेंगे? अगर जो हमारी पार्टी में कमी है उसको हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारी पार्टी हमेशा कहती है कि आप अल्पसंख्यक में जाइए, उनके अपने नीतियों और सिद्धांतों को समझाइए कि हम आपके विरोधी नहीं हैं, आप हमारा साथ तो दीजिए। जब साथ नहीं देते हैं तो होता होगा, उनके विश्वास मन में होता होगा कि नहीं भाई हम उनको वोट नहीं दिए तो हमारे अगेंस्ट जा सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं अभी तक। अगर हुआ हो तो आप बताइए। चलिए एक सवाल और करेंगे कि एक चर्चा चल रही है लोजपा से हीना साहब के यहाँ से चुनाव लड़ने की, आपके भी कुछ पार्टी के लोग हैं हालांकि कैमरे के सामने नहीं लेकिन इस तरह से बोल रहे हैं, क्या इसमें सच्चाई है? मिलेगा उनको भी तो हम लोग उनका स्वागत करेंगे, उनको हम चुनाव जिता कर भेजेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कल तक मान लीजिए जो मोहम्मद शहाबुद्दीन के लोग विरोध करते थे बीजेपी के, कई लोग RSS माइंडेड लोग नहीं है ना माइंडेड जो लोग हैं जो लगातार विरोध किया वो हीना साहब के भी सिद्धांत को गलत इंटरप्रेट किया जाता है जनता के बीच में। RSS सबका साथ सबका विकास चाहती है। भारत में रहने वाला हर भारतीय पहले हिंदुस्तानी है, भारतीय है, उसके बाद ना हिंदू है और मुसलमान है, तो कानून सबके लिए एक होना चाहिए। है भी सबका साथ सबका विकास हो रहा है हमारे यहाँ इस देश में, जब तक नरेंद्र मोदी रहेंगे और पार्टी की सरकार रहेगी तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी का विरोध में हो। ये हमको क्लियर करना है, हमें अगर सुधारना पड़ेगा भाजपा के लोगों को तो सुधारना होगा, उन लोगों को अल्पसंख्यक के बीच में जाकर समझाना होगा कि नहीं हम आपके हितैषी हैं, हमारे विरोधी नहीं है, हम आपके लाभ के लिए भी कानून बनाएंगे, ऐसा नहीं है कि हम आपके विरोध में कानून। मुख्तार अंसारी पर भी आपकी पार्टी मेहरबान हो गई है? अब क्या हो गई है हम नहीं जानते हैं। मुख्तार अंसारी जी जो अपराधी होगा, चाहे हम हो चाहे आप हो चाहे मुख्तार अंसारी, उसको सजा मिलना चाहिए, जो निर्दोष है उसको बचना चाहिए और कानून का राज स्थापित होना चाहिए। 2024 का भी चुनाव नज़दीक है, ऐसे में चर्चा है कि आपके भी नाम की चर्चा है कि आप भी एक लोकसभा के उम्मीदवार। हम तो लोकसभा लड़े हैं, हमको अनुभव है, पार्टी देगी तो हम लड़ेंगे, इसमें कहाँ दो मत है, हम हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। बिल्कुल, तो आपने देखा मनोज सिंह जी से बात हुई और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, हीना साहब से लेकर के और नीतीश कुमार और गठबंधन जो NDA गठबंधन, इस पर भी बातचीत हुई। थोड़ी देर में सम्राट चौधरी जी का आगमन होगा, ये लोग जोरदार तरीके से स्वागत करेंगे और टाउन हॉल में उनका कार्यक्रम होगा। देखना है कि इस कार्यक्रम के बाद आज सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार या फिर लालू प्रसाद यादव RJD को किस तरीके का जवाब देते हैं, यह तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी रिशु के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सिवान। दिखना हो स्मार्ट व चेहरे पर लाना हो सुंदरता तो चले सिवान का सबसे अलग व खास हबीब हेयर एंड ब्यूटी मेकअप सलून। फुल्ली एयर कंडीशनर, हेयर सर्विस भी 20%, ब्यूटी सर्विस में 30% एवं मेकअप में 30% की भारी छूट। आज ही चले हबीब लेडीज एंड जेंट्स ब्यूटी पार्लर नियर JP चौक अपोजिट रेमंड शोरूम एंड बॉडी लाइन जिम। कॉन्टेक्ट नंबर 7323045151 8873478506। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। मानसिक नस एवं नशा रोग का कराना हो बेहतर इलाज तो अब बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब सिवान में इन बीमारियों का डॉक्टर रागिनी सिंह कर रही बेहतर इलाज। न्यूरोसाइकेट्री एंड चाइल्ड केयर झूनापुर हाईवे से सटे बढ़रिया रोड सिवान, जहां एक ही बिल्डिंग में नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मंजीत रंजन के द्वारा बच्चों का किया जाता है बेहतर इलाज। तो अब देर किस बात की, आज ही चले डॉक्टर रागिनी सिंह एवं डॉक्टर मंजीत रंजन सिवान। न्यूरोसाइकेट्री एंड चाइल्ड केयर झूनापुर हाईवे से सटे बढ़रिया रोड सिवान। इमरजेंसी सेवा भी उपलब्ध, कॉल करें 9431871300।
अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आँखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर एके सिन्हा के समीप फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 9973163151।